हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वायरस पर। सबसे पहले हम वायरस का थोड़ा सा चर्चा करने से पहले थोड़ा वायरस की इतिहास पर हम जानना चाहेंगे। प्राचीन काल से ही जितने भी जीव हैं सब में रोग होते रहे, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। तो जितने भी जंतु हैं उनमें चाहे जो पौधे में रोग होते रहे तो उनको तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, लेकिन मनुष्य में रोग होते रहे तो उन पर ध्यान थोड़ा सा लोग देते थे। अब क्योंकि हमारे पास ना तो ऐसे माइक्रोस्कोप थे ना ऐसी विकसित चिकित्सा पद्धति हम लोगों के पास थी कि हम ये देख सके कि हाँ ये बीमारी किस वजह से हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या और जो सूक्ष्म फंजाई हैं, इनकी वजह से या और जो प्रोटोजोआ हैं उनकी वजह से हमारे मानव जाति बहुत सारे रोग होते रहे प्राचीन काल से। अब लोग क्या सोचते थे, लोग इसको प्रकृति का प्रकोप समझते थे, भगवान का प्रकोप समझते थे, लोग डरते थे, पूजा करते थे। लोगों को एक्चुअल पता नहीं था कि ये बीमारी हो किस वजह से रही है। तो एक एक बीमारी आती थी, जैसे चिकन पॉक्स आती थी, बताते हैं लोग कि वो महामारी रूप ले लेती थी, गांव के गांव खाली हो जाते थे, बहुत लोग मर जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई जिनका लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आसपास में, जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने अपने माइक्रोस्कोप जो विकसित किए उनसे कुछ बैक्टीरिया की हम खोज कर चुके थे, उन लोगों ने बैक्टीरिया की कुछ खोज की और उनसे होने वाले रोगों को एकदम एस्टेब्लिश किया। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे रोग हो जा रहे थे, जैसे हाइड्रोफोबिया है, डेंगू है, पोलियो है। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में बड़ी एक चिंता की बात हुई कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि बैक्टीरिया जो है इनसे बहुत सारे रोग हो रहे हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं कि जो बैक्टीरिया के साथ इनका कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। तो फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात आई, ऐसा हो सकता है कि ये कोई बैक्टीरिया से भी सूक्ष्मतम चीज हो, बैक्टीरिया से भी छोटी चीज हो जो बीमारियां कॉज कर रहे हैं। एक व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो गया था, सॉरी काउ पॉक्स हो गया था, और उसके फफोले, जब पॉक्स होता है तो उसमें फफोले पड़ जाते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने उस फफोले का जो द्रव है उसको सुई से निकाला और 23 अन्य लोगों को वो इंजेक्ट कर दिया। और ये 23 लोग वो थे जिनको कि पॉक्स के लक्षण दिखाई देने लगे, और हुआ ये कि वो 23 के 23 लोग बच गए। अब तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ उनका, एडवर्ड जेनर का। अब दिमाग में बात आई कि जिस कारण से इसको ये चेचक हुआ था और उसको मैंने द्रव निकाल कर इन लोगों को लगा दिया है जो जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग बच गए, इन लोगों की जान बच गई। तो दिमाग में शायद ये आया रहा होगा कि उस द्रव को लगाने से उन 23 लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, इम्यूनिटी बढ़ गई, उनकी प्रतिरक्षा जो शक्ति है वो बढ़ गई और वो लोग बच गए। अब ये जो है बात 1800 के आसपास की बात है। अब एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने अट्ठारह में लुईस पाश्चर को आभास हुआ कि कुत्तों में भी
एक रोग हो जाता है हाइड्रोफोबिया। तो उनको ये आभास हुआ कि ये भी जो रोग है ये भी कुछ ऐसे पैथोजन से होता है, और उसके उसके लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई। तो हाइड्रोफोबिया के लिए वैक्सीन बनाई लुईस पाश्चर ने 1885 में, और एक बच्चा था 9 साल का जोसेफ मिस्टर, उसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। तो वो वैक्सीन लुईस पाश्चर ने उस बच्चे में इंजेक्ट की और वो बच्चा बच गया। तो ये यहाँ से वैक्सीन की शुरुआत होती है, वायरस के खिलाफ वैक्सीन शुरुआत यहाँ से होती है। अब एक साइंटिस्ट थे रूस के, वनस्पति शास्त्री थे, उनका नाम था दिमित्री आइवानोवस्की। 1892 की बात है, उन्होंने देखा तंबाकू के जो पौधे हैं उन पर कुछ मोजक मोजक जैसे धब्बे जैसी कुछ स्ट्रक्चर हो गई है, कुछ ऐसे दाग जैसे बन गए हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयास किया कि आखिर ये किस किस कारण से हुआ है। लुई पाश्चर की लैब में चार्ल्स चैम्बरलेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोर्सलिन बैक्टीरियल फिल्टर तैयार किया था। तो दिमित्री आइवानोवस्की ने क्या किया, उस मोजक रोग से ग्रसित जो मोजक रोग से जो ग्रसित जो पत्तियां थी तंबाकू की उनको क्रश कर लिया। जब क्रश करने के बाद जो उसका अर्क निकला, उस अर्क को बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जो चार्ल्स चैम्बरलेन ने बनाया था उससे छान कर देगा। उन्होंने सोचा हो सकता है बैक्टीरिया से हो, लेकिन उन्होंने जब बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से उस अर्क को छान लिया और बैक्टीरिया को अलग कर दिया, उसके बाद जो नीचे निकला हुआ जो द्रव्य था उसको उन पत्तियों पर लगा दी जो स्वस्थ थी। देखा कि स्वस्थ पत्तियां उस बैक्टीरियल फ्री लिक्विड से जो है उसमें मोजक रोग हो गया, उसमें वो रोग पैदा हो गया। अब तो दिमाग में आ गई बात कि आखिर कोई ना कोई ऐसा कारण तो है, कोई ना कोई ऐसा सूक्ष्म जीव तो है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और मोजक रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि TMB, उसको बाद में नाम वायरस दिया गया, टोबैको मोजक वायरस नाम दिया गया। तो वायरस की खोज दिमित्री आइवानोवस्की ने 1892 में की थी। चलिए अब बात करते हैं वायरस की, कि वायरस है क्या। वायरस एक लैटिन भाषा के शब्द से जो है वायरस की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब क्या है, एक वर्ड है लैटिन भाषा का विनम, जिसका अर्थ है पॉइजन। एक साइंटिस्ट हैं बिजरिक, लुई पाश्चर और बिजरिक ने तो इन वायरस को बोला है कॉन्टेजियम वायरम फ्लूडम, यानी कि जीवित तरल संक्रामक। 1898 में बिजरिक ने बोला इसको, एक फ्रेज दिया था कॉन्टेजियम वायरम फ्लूडम, जीवित तरल संक्रामक। अब हम थोड़ा सा इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं कि वायरस के सामान्यतः लक्षण क्या है। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म होते हैं। इंटरसेलुलर पैरासाइट, इंटरसेलुलर का मतलब यह है कि कोशिका के अंदर ही पैरासिटिज्म शो करते हैं, कोशिका के बाहर ये निर्जीव की तरह बिहेवियर करते हैं। और पैरासाइट कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं का मतलब होता है, देखिए दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट और एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं उनके पास एक विकल्प होता है कि या तो उनका होस्ट मिल जाए तो होस्ट पर जो रहेंगे, यदि होस्ट नहीं रहेगा तो खुद की मशीनरी से वो अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के जो पैरासाइट होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्लिगेटली पैरासाइट।
तो वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि अविकल्पी, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, बिना होस्ट के ये अपना जीवन नहीं चला सकते। इनको अपने आप को मल्टीप्लाई करना हो, रिप्रोड्यूस करना हो, तो इन्हें एक होस्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही, इन्हें परजीवी के रूप में ही जाना पड़ेगा, अपनी खुद की मशीनरी काम नहीं करेगी। इसीलिए वायरस को कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसकी वजह से वायरस को निर्जीव में भी रखते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे इस पर। आज हम ऐसे लक्षणों पर चर्चा करेंगे कि हम समझ पाएंगे कि वायरस कितना विचित्र जीव है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिना होस्ट के इसका जीवन नहीं चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करना हो, रिप्रोड्यूस करना हो तो होस्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही। जनरली मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, सामान्यतः ये बैक्टीरिया से छोटे ही पाए जाते हैं, ये क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर जाते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो उससे पार निकल जाते हैं, इसलिए हमेशा बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी ऑफ द रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल, इनके पास किस चीज की क्षमता की कमी है कि ये किसी भी होस्ट की सेल के बाहर ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनके जब ये कोशिका से बाहर रहेंगे, अपने होस्ट से बाहर रहेंगे, तो ये निर्जीव वाले लक्षण शो करेंगे, तो इनके पास कोई भी ऐसी क्षमता है नहीं कि बिना होस्ट के ये अपना जीवन चला सके। वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट हैविंग बोथ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट, ये संक्रामक कारक हैं जिनके पास होता है, दोनों लक्षण पाए जाते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। वायरस जो होते हैं ये संक्रामक तो होते हैं, लेकिन इनमें कुछ लक्षण लिविंग के होते हैं, कुछ लक्षण नॉन लिविंग के होते हैं, ठीक है। एंड दे आर प्रोटीन कोटेड सराउंडिंग आरएनए डीएनए कोर जेनेटिक मटेरियल। इसका क्या मतलब है, देखो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, मान लो मैं इसको इसको इसका कोट मान लेता हूं, इसको मैं इसका कोट मान लेता हूं, मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा, और मैं ये कहता हूं ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके चारों तरफ क्या है, प्रोटीन कोट है, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें केवल एक प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और वो प्रोटीन कोट जो है इसका जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लिक एसिड है, देखिए या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए आरएनए, उसको चारों तरफ से प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं कवर करके रखता है, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है इसमें कि डीएनए होगा या आरएनए होगा, कोर जेनेटिक मटेरियल, बट नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें सेमी परमिएबल कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, इसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं पाया जाएगा। तो जितने भी वायरस होते हैं इनमें खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, तो जो वायरस होते हैं वो कहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, केवल होस्ट की कोशिका के अंदर ही वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर वो निर्जीव की तरफ पड़े रहेंगे। अब देखो अगला लक्षण देखते हैं क्या है कि वायरसेस आर एसेलुलर, वायरस की कोई पूर्ण कोशिका नहीं होती। देखिए जब हम लिविंग के कैरेक्टर जब पढ़ते हैं कि फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग क्या होते हैं, तो हम उसमें देखते हैं तीन मेनली कैरेक्टर देखते हैं। पहला होता सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। तो कोई भी जीव होगा उसकी पहली शर्त यह है कि उसके पास कम से कम एक कोशिका होना चाहिए। एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिका, बहु कोशिकीय जीव है तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, लेकिन कम से कम उसका अस्तित्व जब सजीव कहलाने लायक रहेगा जब कम से कम उसके पास कोशिका रहेगी। अब वायरस के पास अपने आप में एक कोशिका तो है नहीं, कोशिका हो सकता है प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, लेकिन वायरस तो
उससे भी कमतर है। कैसे? वायरसेस आर एसेल्युलर, ना तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन है ना सेल वॉल है, खाली क्या है, मैंने बताया था ना अभी कि खाली एक प्रोटीन कोट है बाहर से और अंदर इसके इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए पड़ा हुआ बस। और जैसे ही होस्ट सेल में चला जाएगा, जैसे ही वायरस इन्फेक्शन कर देगा होस्ट सेल में, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये उस होस्ट सेल के डीएनए के साथ बाइंड करके अपनी कॉपी तैयार कर लेगा, और उसकी जो मशीनरी है, उस होस्ट सेल की जो मशीनरी है उससे अपने प्रोटीन का निर्माण कर लेगा, और अपने वायरस के जो कोट है ये, जो इसका जो कैप्सिड है और इसकी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स, उन कैप्सोमियर्स को असेंबल करके कैप्सिड बना लेगा और अपने आप को रिबिल्ड करके उस कोशिका को फोड़ के बाहर निकल आएगा। ये इसकी मेथड होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने का, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का। तो ये एसेल्युलर है, ये क्या है, ये एसेल्युलर है। तो वायरस क्या है, इनके पास पूर्ण कोशिका नहीं होती। नॉन साइटोप्लाज्म इनके पास, हाँ मैं बता रहा था कि पहली शर्त क्या जीव की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से के अंदर जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर और न्यूक्लियस तक जितना भी उसमें मटेरियल भरा वो सारा प्रोटोप्लाज्म आता है। अब इसके पास क्या है, केवल प्रोटीन कवर है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और तो कुछ है नहीं। ना तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, ना इसके पास साइटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म, ना एंजाइम वगैरह कुछ ऐसा है ही नहीं। दूसरा इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये संक्रामक होते हैं, ये संक्रामक होते हैं, बहुत सारे जीवों में रोग पैदा कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए यूनिट ऑफ वायरस इज ए वायरस पार्टिकल रेदर देन ए वायरस सेल, इसीलिए हम वायरस कोशिका ना बोलकर इसको वायरस कण बोलते हैं, इसको विषाणु कण बोलते हैं, वायरस पार्टिकल बोलते हैं, ना कि इसको वायरस की कोशिका बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए इसको एसेलुलर बोलते हैं। दे आर डिवॉइड द सोफिस्टिकेटेड एंजाइमेटिक एंड बायोसिंथेटिक मशीनरी एसेंशियल फॉर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेलुलर लाइफ। इसका क्या मतलब है, इसके पास मजबूत जो है अपनी जो मेटाबॉलिक जो प्रक्रियाएं जो चलती हैं कोशिका में, इसके पास वो मशीनरी है ही नहीं। जब वो मशीनरी नहीं है, अच्छा मशीनरी है भी नहीं, एंजाइम्स भी नहीं है, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, तो जब वो नहीं है जिससे अपने कुछ आवश्यक पदार्थों को निर्माण कर सके, रेस्पायर भी नहीं है करता है, मेटाबोलाइज भी नहीं करता है, तो इसलिए इसको देयरफॉर देन वी कैन देन कैन ग्रो इनसाइड दी सुटेबल सेल्स। जब इसके पास अपनी खुद की मशीनरी नहीं, ना तो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, ना मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी इसके पास है, तो ये क्या करता है, ये केवल कोशिकाओं को इन्फेक्ट करता है और उसके डीएनए पर जाकर अपने डीएनए जो अपना जेनेटिक मटेरियल है उसके होस्ट की डीएनए के या जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड करके अपनी प्रोटीन की कॉपी तैयार कर लेता है, अपने न्यूक्लिक एसिड की कॉपी तैयार कर लेता है और अपने आप को असेंबल्ड करके उस कोशिका को फोड़ के बाहर आ जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है, ये बहुत चालाक है। दीज वायरस डू नॉट ग्रो नाइदर रेस्पायर, ये वायरस जो ना तो ग्रो करते हैं, ना तो ये ग्रो करते हैं रेस्पायर, ना ही रेस्पायरेशन करते हैं और ना ही ये मेटाबोलाइज करते हैं, ना ही इनमें उपापचय क्रियाएं एनाबोलिक और कैटाबोलिक, यानी कोई पदार्थ का कोई जो पदार्थ होता है वो शरीर में जाने के बाद उसकी तोड़फोड़ होती है। जैसे मान लो ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड H2O टूट जाता है और हमको ऊर्जा दे देता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके हो सकता है ग्लाइकोजन बनाए या कोई और नया पदार्थ बनाए, जिसमें सिंथेसिस हो रहा हो नए पदार्थ को, उसको बोलते हैं एनाबोलिक। तो जो एनाबोलिक प्रक्रिया है कैटाबोलिक प्रक्रिया सबको टोटल मिलाकर बोलते हैं मेटाबोलिज्म। तो इसके अंदर मेटाबोलिज्म भी नहीं चल रहा है, ना ही रेस्पायरेशन चल रहा है, ना ये ग्रोथ करते हैं, बट दे रिप्रोड्यूस, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन है, दे मे इवन बी
क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब बहुत लंबे समय तक क्रिस्टल करके इसको रख सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको हम निर्जीव भी कहते हैं। अभी एक कंट्रोवर्सी वाली बात है, अभी क्लियर अच्छे से हो नहीं पाया है कि इसको ये एक्चुअल में इसको हम कहाँ रखें, लेकिन अभी तक इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी मान सकते हैं हम लोग। कहा जाता है कि इस जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये कुछ लक्षण लिविंग के दिखाता है, कुछ लक्षण नॉन लिविंग के दिखाता है। तो इसको क्रिस्टलाइज भी किया। अब क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है, लंबे समय तक उसको रखे रहें, ये तो निर्जीवी चीज हो सकती है। क्रिस्टलाइज करके रखना तो केवल निर्जीव के पॉसिबल है, अब किसी सजीव को तो क्रिस्टल कर रखा नहीं जा सकता, लेकिन क्रिस्टल के बाद ये इन्फेक्शन भी कर देता है, तो है ना विचित्र जानवर। तो ये इसको एक साइंटिस्ट थे स्टेनली मिलर, तो उन्होंने स्टेनली ने इसको क्रिस्टलाइज भी किया था। चलिए साथियों, अब हम देखेंगे नॉन लिविंग प्रॉपर्टी और लिविंग प्रॉपर्टी। वायरस की लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो साथियों, अब देखेंगे हम वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या क्या है, कि ये दोनों के कैरेक्टर दिखाता है। जो वायरस होते हैं वो हमें लिविंग के और नॉन लिविंग के दोनों के लक्षण दिखाते हैं, इसीलिए हमने इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं हम लोग। हालांकि अभी कंट्रोवर्सियल है, ये बड़ा विवादास्पद है, अभी इस पर कुछ कंफर्म नहीं कर पाए साइंटिस्ट, अभी इस पर खोज जारी है। अभी मैं एक नई खोज देख रहा था, तो उसमें ये था कि इसमें प्रोटीन सबस्टेंस तो प्रोटीन कोड तो होता ही है। अभी मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा, पढ़ नहीं पाया हूँ क्या है, लेकिन वो उसके आउटलाइन में देख रहा था कि 1950 में एक साइंटिस्ट थी, उनका नाम था बारबारा मैक्लिंटॉक, उन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी। तो जंपिंग जीन की खोज, तो जो जंपिंग जीन होते हैं तो इसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो जंपिंग मटेरियल तो नहीं है, क्या वो जंपिंग जीन का हिस्सा तो नहीं है, और वो जंपिंग जीन का हिस्सा किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो और वो जंपिंग जीन का हिस्सा हो तो हो सकता है इसकी उत्पत्ति उससे होगी हो। अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है, अभी इसका जब तक जस्टिफिकेशन नहीं आ जाता, तो इसका क्लियर कट जो है कोई नया शोध सामने नहीं आ गया, तो इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी थोड़ा। चलिए, तो हम देखते हैं कि वायरस जो है वो उसकी लिविंग प्रॉपर्टी क्या है, वायरस की जो लिविंग प्रॉपर्टी वो क्या है। सबसे पहले हम वायरस की लिविंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि दे पोजेसेस जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। एक बात ध्यान रखें कि इसमें जेनेटिक मटेरियल तो पाया जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ पाए जाए, या तो डीएनए ही पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी कोई केसेस ऐसा है नहीं कि जिसमें डीएनए और आरएनए साथ साथ पाए गए हो। प्रोटीन कोट रहेगा, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड कवर कर रखता है इसके कोर जेनेटिक मटेरियल को, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। देखें दूसरा लक्षण है इसका, दे कैन अंडरगो म्यूटेशन। देखिए जेनेटिक मटेरियल की खासियत क्या है, जितने भी जीव हैं उनमें सब में म्यूटेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल की खासियत है कि उसमें म्यूटेशन, सडन होने वाले चेंजेज, जेनेटिक मटेरियल में किसी भी अनुवांशिक पदार्थ में सडनली होने वाले जो चेंजेज होते हैं उनको म्यूटेशन बोलते हैं। तो इनका जो डीएनए आरएनए है उसमें म्यूटेशन होता है, तो ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो पाया जा रहा है वो भी लिविंग का कैरेक्टर है, और जो इनका जो इनको ये म्यूटेशन भी करते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशन भी होता है, ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर है।
थर्ड वन दे सो इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी का या सेंसिटिविटी का मतलब है कि सेंस करना, ये सेंस भी करते हैं तो ये इरेटेबिलिटी भी शो करती है, ये भी एक इरेटेबिलिटी संवेदना जो है ये लिविंग का करेक्टर है। दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग की प्रॉपर्टी है, उस ये वो प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन जिससे जाति की कंटिन्यूटी, कोई भी प्रजाति अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखती है, कोई जनसंख्या अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव पैदा करती है, अपने जैसे बच्चे पैदा करती है जिससे उसकी जाति का अंत ना हो, तो ये वो काम भी करते हैं। इसका मतलब ये लिविंग का करेक्टर दिखा रहा है, ये लिविंग हुआ। और हाँ, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा इसको मैनेज कर लेना, अभी थोड़ी प्रैक्टिस भी कम है लिखने की, तो हो सकता कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको लिख भी सकते हैं, उसको करेक्ट किया जा सकता है। दे कैन इनक्रीज देयर नंबर्स, ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि बिना होस्ट के इनका जीवन नहीं चलेगा। यदि इन्हें अपनी मल्टीप्लीकेशन करना है, अपनी संख्या बढ़ानी है, तो ये किसी एक होस्ट सेल में जाएंगे। होस्ट सेल में जाने के बाद ये क्या करेंगे, देखिए क्या होता है कि एक मान लो एक बैक्टीरिया पर कोई भी वायरस, किसी वायरस का जो होस्ट है वो बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगा, जो वायरस है बैक्टीरिया की कोशिका पर जाकर, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक वायरस है, तो वायरस जाएगा ऐसे बैक्टीरिया पर बैठ जाएगा, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें पेनिट्रेट हो जाएगा बैक्टीरिया में। जब बैक्टीरिया पेनिट्रेट हो जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल, तो इसका जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल साथ बाइंड करके उस बैक्टीरिया की, उस होस्ट की कोशिका की जो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, जो मेटाबॉलिक जो मशीनरी जो चल रही है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा और अपनी प्रोटीन की कॉपियां, अपनी प्रोटीन बना लेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी कॉपियां बना लेगा और फिर उसको रीअसेंबल कर लेगा, और असेंबल करने के बाद उस कोशिका को फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो ये अपनी कॉपियां ऐसे तैयार करते हैं, अपने आप को ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम होस्ट, वन होस्ट टू अनदर, यहाँ वन और लिखना था, वन होस्ट टू अनदर, किसी एक होस्ट में गए उसके बाद दूसरे होस्ट में चले गए, दूसरे बाद उसके बाद फिर तीसरे होस्ट में चले गए, तो ये ऐसे भी होती हैं, इसका मतलब ये लिविंग का कैरेक्टर है। दे रिएक्ट टू हीट, केमिकल्स एंड रेडिएशन, ये रसायनों से भी, गर्मी से भी और रेडिएशन, इन सबसे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। देखिए अभी 2019 के लास्ट में या 2020 के शुरुआत में कोविड वायरस का बड़ा प्रकोप रहा, ये दुनिया के लिए बड़ा, मैं उसमें बड़ा उसका साक्षी हूँ, मैंने उस बुरे वक्त को मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, लाखों लोगों के परिवार जो तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, यूँ मानिए मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। तो जो कोविड था उसमें एसी चलाने को मना किया गया था, एसी चलाने को मना किया गया था, क्यों मना किया गया था, क्योंकि जो कोविड वायरस की जो कैप्सिड है उसमें कुछ लाइपोप्रोटीन लगी हुई, यानी कि प्रोटीन के साथ कुछ लिपिड भी लगा, तेल भी लगा, तो जैसे ही वो हीट पाएगा तो जो लिपिड है वो मेल्ट हो जाएगा, जो फैट है वो मेल्ट हो जाएगी और उसकी जो सेल का जो कवर है वो अपने आप, सेल नहीं सॉरी, जो वायरस का जो कैप्चर्ड है वो, वायरस का जो कैप्चर्ड है वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा गर्मी पाकर। तो इसलिए जितनी भी एसी की गाड़ियाँ चल रही थी उस समय में, रेल में ही काम करता था तो सारी एसियों को बंद कर दिया गया था, बहुत कम ट्रेन चलाई जा रही थी, वो चल रही थी तो उनमें एसियाँ नहीं चल रही थी, एसी एकदम बंद करा दी गई थी ताकि जो है वो वायरस यदि कहीं हो भी तो अपने आप मर जाए। चलिए तो ये हीट से भी रिएक्ट करते हैं, केमिकल से भी रिएक्ट करते हैं, हम केमिकल से कैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत सैनिटाइजर हमने यूज किया है, हैंड रब, हैंड सैनिटाइजर बहुत यूज किया है, तो वो क्या था, केमिकल ही तो थे, तो वायरस को मारने के लिए हम यूज करते थे। रेडिएशन के साथ भी ये क्रिया करते, रेडिएशन से वो, ये रेडिएशन से प्रभावित होती है। दी डेवलप्ड रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दी डेवलप रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक,
एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक दरअसल बैक्टीरिया के लिए बनाई गई, और जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरियल सेल वॉल पर प्रभावी होती है। अब इसके पास तो ना सेल वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, सेल ही ढंग से नहीं है, तो इसलिए इसके प्रति रेसिस्टेंट है, सेंसिटिव नहीं है। रेसिस्टेंट का मतलब है कि एंटीबायोटिक इन पर प्रभाव नहीं डालती है। चलिए अब कुछ, अब नए नए शोध जा रही हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक आ गई हैं जो अब प्रभाव डालने लगी हैं, बाकी जो फंडा है वो यही है। अब देखते हैं दे कैन, इसके हम नॉन लिविंग प्रॉपर्टी देखते हैं वायरस की, दे कैन क्रिस्टलाइज्ड, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इसको हम शीशे में बंद कर रख सकते हैं, बोतल भर के रख सकते हैं, क्रिस्टलाइज का मतलब ये है, और क्रिस्टलाइज जिसको करेंगे वो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, यानी कि होस्ट की जो कोशिका उससे बाहर ही क्या है, अक्रिय हैं, पड़े तो पड़े हैं, सालों तक पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैक सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ना तो इनमें सेल वॉल है ना ही सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं, तो लिविंग की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है। लैक ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल, ना तो कोशिका में ना ही साइटोप्लाज्म में। दे डू नॉट शो सेल डिवीजन, इनमें सेल डिवीजन भी नहीं होता, एक कोशिका से दो कोशिका, ये तो अंदर जाते हैं होस्ट की कोशिका, उसकी मशीनरी पर कब्जा करते हैं, अपनी प्रोटीन की बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं, अपने जेन मटेरियल बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं, असेंबल करते बाहर आ जाते हैं। दे कांट ग्रो साइज एंड शेप, अपनी शेप शेप और साइज भी नहीं ग्रो कर सकते। दे डू नॉट पोजेस सॉल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनके पास न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पाए जाते। दे डू नॉट रेस्पायर एंड एक्सक्रीट, ना ये श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, और ना ये एक्सक्रीट आउट करते हैं, ना ये एक्सक्रीशन करते हैं। डू नॉट अंडरगो देयर ओन मेटाबॉलिज्म, ना ही इनमें मेटाबॉलिज्म होती है, इनमें मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती है। लैक एनी एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम, इनमें कोई भी प्रोड्यूसिंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस हो गया, उसके लिए साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ेगी, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई इसमें है ही नहीं, एंजाइमेटिक सिस्टम ही नहीं है, साइटोप्लाज्म सिस्टम भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती, रेस्पिरेशन भी नहीं होता, एक्सक्रीशन भी नहीं होता, तो ये सारे करैक्टर किसके हैं, ये सारे के सारे करैक्टर जो हैं वो नॉन लिविंग के हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, आगे से अगली कक्षा में देखेंगे, और जो भी आपकी क्वेरी है, जो आप हमको सुझाव देना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बेझिझक लिख सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल भी डाल देंगे, ईमेल पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और आपके सुझाव हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम उसका हर हालत में पालन करेंगे। तो जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो, वो आप हमें जरूर लिखोगे। ओके, थैंक यू।